एक घंटे में हो गया मैच का फैसला। पहले टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 188 रनों से हराया। पांच खिलाड़ी बन गए जीत के हीरो। कुलदीप यादव और चेतेश्वर पुजारा ने पलटी पूरी बाजी। पांचवें दिन चारों खाने चित हो गया बांग्लादेश। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। फाइनल में पहुंचने के लिए अब जीतने होंगे इतने मैच। वनडे सीरीज में भारत को हराने के बाद बांग्लादेश के हौसले आसमान छू रहे थे, लेकिन पहले ही टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 188 रनों से हराकर आधा हिसाब बराबर कर लिया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जीत के हीरो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 102 रनों की शानदार पारी खेली। कुलदीप और पुजारा के अलावा इस मैच में तीन और हीरो रहे, जिन्होंने बांग्लादेश के हौसलों को जमीन पर पटक दिया। अक्षर पटेल ने भी पहले टेस्ट में कमाल कर दिया। पहली पारी में तो वो बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, मगर उन्होंने एक विकेट लिया। उन्होंने सबसे किफायती गेंदबाजी की थी। आखिरी पारी में अक्षर ने 4 विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। शुभमन गिल ने भारत की दूसरी पारी में अपना मैडन शतक जड़ा और पुजारा के साथ बड़ी साझेदारी करके बांग्लादेश के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। गिल ने 110 रनों की पारी खेली। मोहम्मद सिराज भी भारत की जीत में छा गए। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए कुल 4 विकेट चटकाए। इस जीत के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई थी, लेकिन आज ही ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच में हरा दिया। इससे भारत पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। भारत ने 13 में से 7 मैच जीते हैं, जबकि 2 ड्रॉ रहे हैं। टीम को 4 मैचों में पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब सवाल यह है, टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए कितने मैच और जीतने होंगे। टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंचने का समीकरण बिल्कुल साफ है। फाइनल में आसानी से पहुंचने के लिए भारत को अपने 5 में से 4 मैच जीतने होंगे। भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ एक और टेस्ट मैच खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी मार्च में टीम इंडिया अपने घर पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत बांग्लादेश को अगले टेस्ट में भी हरा देगा। ऐसी स्थिति में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 में से 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल मुकाबला अगले साल जून के महीने में ओवल के मैदान पर खेला जाना है। अब भारत इस फाइनल को खेलने की तैयारी शुरू कर चुका है। पिछली बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया था, लेकिन इस बार भारत इस खिताब को जीतने के लिए जी जान झोंक रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जलसा.com।